वेलकम गाइस विथ अनदर न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑक्टिसेफ डिवाइस को आप अपने हैंडसेट से कैसे पेयर करें और कैसे इसे यूज करें। ये रहा ऑक्टिसेफ का प्रोडक्ट, मैं आपको इसका दिखाता हूँ। बॉक्स खोलने के बाद आपको कुछ इस तरह का डिवाइस दिखेगा एक, एंड ये इसके साथ एक स्ट्रैप है जिससे आप इसे यहाँ पे हैंग करेंगे। और इसके साथ आपको एक मिलता है यूज़र मैनुअल कि आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं डिवाइस को। चलो हम अब इसको स्ट्रैप को इसके साथ फिक्स करते हुए हमने इसके साथ स्ट्रैप अटैच कर दिया है। अब हमें सिंपली अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करनी है। ऑप्टिसेफ ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, ऑलरेडी हमने यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है। आपको यहाँ पे अपना नाम, ईमेल एड्रेस एंड 8 डिजिट का आपको पासवर्ड जनरेट करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, OTP आएगा, OTP से आप इसे वेरीफाई करेंगे। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको लॉगिन पेज पे आएंगे। लॉगिन पेज पे आपको यहाँ पे अपने अकाउंट डिटेल, अपना लॉगिन अकाउंट डिटेल डालना है। लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको GPS एनेबल करना है। देन आपको डिवाइस स्टेटस आएगा आपका कनेक्टेड। ये पहले से इस पे पेयर है तो मैं आपको इसको दोबारा से करके दिखाता हूँ। अब आएगा ऑप्शन डिवाइस रजिस्ट्रेशन के लिए, डिवाइस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आपको। आपको सबसे पहला माई बडी ऑप्टिशेप SOS डिवाइस के लिए चूज़ करना है और आपको अपना डिवाइस सपोर्ट करना है। इस पे ये बटन को आपको कम से कम 3 से 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है और इस तरह से बीप एक साउंड आएगी, लाइट जलेगी इस पे। देन आपको फाइंड डिवाइस पे क्लिक करना है। फाइंड डिवाइस करेंगे, डिवाइस आपका सर्च होगा। डिवाइस मिलने के बाद जैसे फाइंड करेगा कंफर्म करना है, इसकी पेयरिंग परसेंटेज आपको शो करेगा। डिवाइस आपका रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आप SOS कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना चाहते हैं अभी, अगर आप अभी ऐड करते हैं तो यस पे, नहीं तो लेटर करना है तो नो पे आप क्लिक कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे स्टेटस देखेगा, डिवाइस स्टेटस कनेक्टेड, आपको कनेक्टेड पे टच करना है। डिवाइस स्टेटस आप शो देख सकते हैं, माय बॉडी सेटिंग पे जाएंगे। माई बॉडी सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन मैनेज SOS में आपको क्लिक करना है। SOS सेटिंग के अंदर एरो पे डाउन क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे नंबर एंटर करना है जो आप चाहते हैं इमरजेंसी के टाइम पे जिन्हें आपका मैसेज जाए। जैसे आप डिवाइस एक्टिवेट करते हैं यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे, सेव करना आपको नंबर। अगर ऐसे कोई सिचुएशंस होती है, इमरजेंसी सिचुएशन, तो आप सिंपली इसको ऐसे पुल आउट करेंगे, डिवाइस में एक आपको साउंड आएगा, एक फ़ोन पे आपका सायरन बजेगा। कन्फर्म कर देंगे, जो नंबर आपने SOS कॉन्टैक्ट पे डाला हुआ है उनको बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज चला जाएगा, जिसमें एक लिंक जाएगा, वो आपकी लोकेशन देख सकते हैं। आपके डिवाइस का सर्वर 3 मिनट के लिए एक्टिवेट हो जाएगा, उस 3 मिनट के अंदर आपके फ्रंट कैमरा से चीज़ें जो भी रिकॉर्ड होंगी, एज ए स्पाई कैमरा ये ऑन होगा, वो आपका फ्रंट कैमरा से सारा रिकॉर्ड जो भी उसमें डेटा कैप्चर हुआ होगा वो उस नंबर पे मैसेज में लिंक के थ्रू जाएगा। यही बेसिक प्रोसेस है। जब भी आप डिवाइस को दूसरे फ़ोन पर रिपेयर करना चाहते हैं, दूसरे फ़ोन पर यूज़ करना चाहते हैं, आपको सिंपली माई बॉडी सेटिंग पर जाने के बाद डिलीट डिवाइस पर जाना है। डिलीट डिवाइस कर देंगे तो आपका ये डिवाइस डी रजिस्टर्ड हो गया है
और आप इसको दूसरे फ़ोन पे किसी भी पेयर कर सकते हैं। अकाउंट लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली एरो 3 आइकन पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे जाके ऑप्शन लॉगआउट के ऑप्शन पे जाना है। लॉगआउट आप कंफर्म करेंगे, लॉगआउट हो गया, सिंपल मेन पेज पे आ गया, यही प्रोसेस।